तो हाय एवरीवन हम बताएंगे आज की नीट 2024 का फॉर्म कैसे फिल करें और जल्दी में बताएँगे कि आपका टाइम बहुत कीमती है अभी तो पहले आपको क्रोम की वेबसाइट पर नीट डॉट एन टी एनलाइन डॉट इन का वेबसाइट खोल लेना है आपको वहाँ पे ये वाला पेज दिखेगा जिसमें आपको न्यू एप्लीकेशन लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पर लॉग वाले ऑप्शन में नहीं जाना है यहाँ देखिए आपको मिलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर तो यहाँ आप जाएंगे तो स्टेप टू में आपका ये पेज खुलेगा जिसमें आपको ये सब दिया गया है पढ़ के आपको यहां पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है जहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपका सारा ये आपको क्लिक करना है कि आप किस कौन से आ, डॉक्यूमेंट से लॉग इन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप आधार कार्ड से हम अगर लॉग इन करेंगे तो फिर आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपका वेरीफाई करेगा जिस आधार नंबर में जौन सा नंबर मोबाइल नंबर दिया गया है वहाँ पे जनरेट ओटीपी में होके वेरीफाई करना है उसे ओ डालने के बाद आपका पूरा ये पेज खुल जाएगा फॉर्म का जहाँ पे आपको अपना नाम डालना है अपना फादर्स नेम मदर्स नेम सारा कैपिटल लेटर में और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जेंडर डालना है और नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा आइडेंटिटी आप क्या डालें, आधार डालें, आप पैन वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर आइडेंटिटी नंबर भी वहाँ पे लिख देना है और परमानेंट और यहाँ पे दो प्रेजेंट एड्रेस में जो भी अगर आप सेम भी डालना चाहते हैं नहीं तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस में डालिए और परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है उसे डालिएगा और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें वर्ड आ, अल्फाबेट और एक स्पेशल लेटर एट द रेट टाइप होना चाहिए और कंफर्म पासवर्ड करके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है जिसको याद रखना है क्योंकि अगर वो पासवर्ड भूल गए तो उससे ही लॉग होगा और पासवर्ड लिख के रखना है ये सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सबमिट करना है स्टेप वन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको आपके नंबर पे एक आ, रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाएगा उसके बाद फिर से आपको आ, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चर डालकर लॉग करना है जहां आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दिया जाएगा जिसे चेक कर लीजिएगा क्रॉस चेक एक बार तो फिर यहाँ पे आएगा कि माई नेम फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ई सब हम कन्फर्म कर लिए कि ये सही है तो इन सब बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड और टी पी करना है ये एग्री वाला ऑप्शन डाल के तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ आएगा जिसको डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको सेकेंड में जाना है तो जहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा इसमें आपका नाम पूछा जाएगा वापस से फादर्स नेम सब लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी बस चेक कर लेना है एक बार तो फिर है तो ये वाला पेज आपको मिलेगा जहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स डाला हुआ रहेगा जहाँ पे वापस से आपको गवर्नमेंट आईडी डाला रहेगा तो आपको चेक कर लेना है तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आप डायबिटिक हैं तो आपको यस और नो में आंसर देना है और आपकी फैमिली इनकम पूछी जाएगी तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अगर आप आठ लाख से ऊपर का डालते हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट रहना चाहिए काउंसिलिंग के टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट का माइनॉरिटी से यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप जनरल ओबीसी बी सी एस सी जिसमें भी आते हैं लेकिन आपको काउंसिलिंग के टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगेगा तो यहाँ पे आपको रेसीडेंस पूछा जाएगा अगर आप टाउनशिप से बिलोंग करते हैं और गाँव से बिलोंग करते हैं तो रूरल डालना है और आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है तो बेसिकली आप इसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रीफर करें अगर आपको स्पेशल ड्रेस पहनना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड में यस कर दे आपको वहाँ सेंटर पे दो घंटे पहले ही जाना पड़ेगा स्पेशल ड्रेस पहनते हैं तो फिर आपको ये कैप्चर डाल के सबमिट कर लेना है तो आप पी में आते हैं तो आपको यस और नो करना है तो ये भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा अगर आप पी डालते हैं तो फिर कैप्चर डालने के बाद आपको एग्री पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है सबमिट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए आएगा तो आप जो भी दो दो, दो ही चॉइस आप इस बार फिल कर सकते हैं आपको दो अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज कर लेना है फिर आपके फादर्स क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है और कहाँ तक पढ़े हुए हैं ये डालना है आपको क्वालिफिकेशन में और मदर्स के बारे में भी सेम चीज डालना है फिर एग्री करने के बाद कैप्चर डालने के बाद सबमिट कर देना है फिर आपको पूछा जाएगा आपके ट्वेल्थ और इलेवेंथ के बारे में तो आपके पास टेंथ पूछा गया आप है और किस ईयर में पास किए हैं और आपका इस प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है Uh, कौन सा स्टेट है स्कूल का कोड क्या है और पिन कोड क्या है स्कूल नेम क्या है ये आपको सारे टेंथ के मार्कशीट और ट्वेल्थ के मार्क्शीट सब पे मिल जाएंगे और ये डाउट रहता है कि इलेवेंथ में क्या दें तो इलेवेंथ बहुत से लोगों का कोरोना में गया है या बहुत सारे स्टेट देते नहीं है तो उसमें आपको डाल देना नॉट एप्लीकेबल तो आपको इलेवेंथ की कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी फिर आपको ट्वेल्थ अगर अपेयरिंग है आप अभी थ्रेशर्स हैं तो आपको डाल देना है कि आप अपेयरिंग में तो आपसे डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा अगर आप ड्रॉपर हैं तो बाकी सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है एग्री और कंटिन्यू करने के बाद कैप्चर डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको दिखाया जाए कि आप क्या क्या बढ़ें एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें और यहाँ आपसे पूछा जाए कि क्या आप जुड़वा हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना है और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि आप क्या अपने फादर या मदर के एक लौत ओनली चाइल्ड हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पूछा गया है कि आप इससे पहले नीट में एग्जाम दिए हैं तो आपको यस और नो में देना है अगर आप दिए हैं तो कितनी अटेम्प्ट दे चुके हैं यहाँ पे उसको भी आपको फिल करना है कैपचा डालने के बाद एग्री करने के बाद फिर ये पेज से हम आगे चलेंगे फिर यहाँ पे आपको फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज जो जे पी जी जे पी ई जी मैक्सिमम मिनिमम साइज टेन के बी से टू हंड्रेड के बी डाला है जिसमें आपको फोटो में आपका डेट डेट क्लिक कब करवाएं वो फोटो और नेम कैपिटल लेटर में रहना चाहिए और बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए कोई और कलर कलर नहीं होना चाहिए ब्लैक वाइट ही होना चाहिए उसे अपलोड कर देना है फिर सिग्नेचर आपको एक ए फोर साइज़ या कोई प्लेन पेपर पर पे लिख कर और उसका फोर से थर्टी के बी के बीच उसको अपलोड कर देना है और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड कुछ भी डालना है और एक फोटो आपको पोस्ट कार्ड साइज भी डालनी है जो सिक्स फोर इंटू सिक्स सेंटीमीटर की रहती है तो ये भी आपको जितना दिया गया है, उसी के भी में डालना है इस बार आपको बस थम इम्प्रेशन डालने के लिए आपको बताया गया ऑलरेडी वीडियो में आप उसको देख सकते हैं और इस बार आपको कोई भी टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट नहीं लगेगी एन के फॉर्म में दिया गया है लेकिन ये लगा नहीं है आपको बस पासपोर्ट साइज फ़ोटो पोस्ट कैड साइज फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर बस यही चार चीज़ आपको लगेगी बाकी ये सब कुछ भी नहीं लगेगा अभी ये सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म दिखाया जाएगा फिर से आपको देख लेना है एक बार क्रॉस चेक करना सारी चीज़ें आपको कि कोई गलत चीज़ गलत नहीं ना हुआ है उसको डालने के बाद आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद आपके पास सिर्फ पेमेंट ऑप्शन आएगा फी पेमेंट आपको पेमेंट करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार क्रॉस चेक करके चेक करके डाल देना है सबमिट तो सबमिट हो जाएगा यहाँ पे पूछा जाए कि आपने सारा चीज़ सही भरा है तो सारे बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है बार बार क्रॉस चेक जरूर करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपको फिर पेमेंट करना है सोलह सौ ओबीसी के लिए सत्रह सौ जनरल के लिए और एस के लिए और भी कम है तो पेमेंट ऑप्शन में आप देखिएगा एस बी आई पे एच डी एफ सी आई सी आई सी ये है लेकिन आपको यू पी आई ऑप्शन नहीं दिखा है लेकिन आप आई सी आई सी पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको यू पी आई पेमेंट मोड पेटीएम गूगल पे ये सब आपको मिल जाएगा ऑप्शन जो कि ये है बस तीन ही दिखा रहा है आपको आई सी आई सी वाले में आपको मिल जाएगा कि आपको यू पी आई पेमेंट भी करना है जो आपका ईजिली हो सकता है आप पास छः सात मिनट दिए जाएंगे इस मोड में आपको कम्प्लीट कर देना उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको वो फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा